Hello everyone, good morning students. We have discussed our chapter Motion in a Plane. Today we are going to start a chapter Motion in Straight Line. बेटा इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब हमारा कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें उसके रिलेटेड होती हैं, किस तरह से उसका मोशन होता है, क्या क्या टर्म्स उसके अंदर आते हैं, जैसे हमारी स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, रिलेटिव वेलोसिटी आती है, इन सब टर्म्स की बातें हम इस चैप्टर में करेंगे. सो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इन सबको अगर हम जनरल टर्म में बोले तो फिजिक्स में वो टर्म हमारी होती है बेटा मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मीन्स एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम कोई भी फोर्स अप्लीकेबल हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के मोशन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज पर्टिकुलर ब्रांच एंड इज नोन एज फिजिक्स, सॉरी मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स में दो मेन ब्रांचेज है, एक स्टैटिक्स है, एक डायनेमिक्स है. स्टैटिक्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमारा जो पार्टिकल है यू कैन सी कि वो स्टैटिक पोजिशन में रहे और उस केस में हमारे जो फोर्स अप्लाई होंगे दैट आर इन इक्विलिब्रियम. सो स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम. जब सारे फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं तो उस केस में हमारा जो बॉडी होगा दैट विल बी इन स्टैटिक पोजीशन और उस केस में जो हमारी सिचुएशन होगी दैट विल बी स्टैटिक्स. नेक्स्ट हमारा आता है बेटा डायनेमिक्स. डायनेमिक्स आता है हमारा जब हमारा कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उस केस में जो पार्टिकल का मोशन, जो पार्टिकल की स्टेट है उसके अंदर चेंज आता है, दैट मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट मे बी इन स्टेट ऑफ मोशन. तो हमारी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर उसके स्टेट में चेंज आए उसकी जब हम स्टडी करते हैं दैट कम्स अंडर डायनेमिक्स. सो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई टेकिंग इंटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंजेज ऑफ स्टेट्स. दैट कैन यू से स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है और स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकती है. डायनेमिक्स को हमने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, वन इज काइनेमेटिक्स व्हाइल द अदर वन इज काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स में क्या आते हैं? हमारी वो ब्रांच आती है बेटा जिसमें हमारा जो भी फोर्स अप्लाई हुआ है उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल के मोशन में जो चेंज हुआ है उसका रीजन हम ना देखें. किसी भी वजह से चेंज हुआ है अगर उसके रीजन को कंसिडर ना करें और तब उसके मोशन स्टडी करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज काइनेमेटिक्स. और जब हम उसके जो रीजन है कि जिस वजह से उसके पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके मोशन में कोई मूव हो रहा है अगर उसके रीजन की बात करते तो दैट ब्रांच कम्स अंडर द काइनेटिक्स. सो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. इट मीन्स कि जो उनका कॉज है मोशन जिस वजह से हुआ है उस कोच को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स. वाइल द नेक्स्ट टर्म इज द मोशन विच रिलेट्स द एक्शन ऑफ फोर्स कोचिंग द मोशन. हमारा जो मोशन हो रहा है उसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको भी हम कंसिडर करें और जिसके अंदर मास मूव कर गया है उस मास को भी कंसिडर करें. बेसिकली जिसकी वजह से हमारा मोशन हो रहा है अगर हम उसके रीजन को कंसिडर करते हैं दैट कम अंडर काइनेटिक्स. तो आई होप आपको मैकेनिक्स की जो मेन चीज़ें हैं किस तरह से हमने इसको ब्रांचेज में डिवाइड किया ये चीज़ें क्लियर हुई. अब हम बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बेटा कि रेस्ट और मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके टर्म्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. तो कोई भी बॉडी रेस्ट में कब मानी जाती है? जब वो बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे. अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैंने आपको बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हमारा टॉपिक इस साल डिलीट हो गया है बट मैंने वैसे आपको एक बार बता दिया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है दैट इज बेसिकली द फ्रेम इन विच यू आर टेकिंग योर ऑब्जर्वेशंस. सो अगर उस पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपकी जो बॉडी है उसके अगर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते हैं, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स सेम बने रहते हैं तो दैट बॉडी इज बेसिकली सेट टू बी इन रेस्ट पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से माउंटेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारे हमारे रेस्ट पोजिशन में होते हैं.
while the other case is for motion. Motion भी आपको जैसे normally पता भी है कि जब भी आपकी position, किसी भी object की position अगर time के respect में change होती है तो वो particle क्या कहलाता है? Motion में कहलाता है. जैसे कि moving car है, जैसे कि आपके planets जो revolve कर रहे हैं sun के around. अब आगे बात आती है कि जो rest और motion है ये basically relative term है. कैसे है ये relative term? अगर हमारे पास लेटर सपोज कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वही बॉडी दूसरी किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, दूसरी किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली मोशन में भी हो सकती है. लेटर सपोज फॉर एग्जांपल एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन में बैठा है, तो वो उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो पैसेंजर कैसा है? दैट पैसेंजर इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन. बट वही ट्रेन अगर मूविंग स्टेट में है तो वही जो पैसेंजर है वो जो बाहर के जो सराउंडिंग में जो ट्री हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो अगर ट्रेन स्टैटिक पोजीशन में है उस केस में तो आपके बाहर के जो ट्री हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पोजीशन पे है. बट व्हेन द ट्रेन इज मूविंग इन दैट केस दैट पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज एट रेस्ट. बट विद रिस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग दैट मीन्स रोड है आपका, ट्री है, बिल्डिंग्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में वही पैसेंजर आपका मूविंग स्टेट में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन पोजिशन. द नेक्स्ट टर्म इज मोशन इन 1D, 2D एंड 3 डायमेंशन. तो हमारा पार्टिकल को हम कब बोलेंगे कि ये पार्टिकल 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, कब बोलेंगे वो 2D में मोशन कर रहा है? तो हम किसी भी पार्टिकल के लिए बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट हम उसके कंसीडर करते हैं. तो 1D मोशन कब माना जाएगा? कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है अगर उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट की नीड होती है उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो मोशन है दैट इज सेड टू बी इन 1D और उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं. ऐसे मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं बेटा, जो कि हम सेक्टर में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, ए मैन वॉकिंग इन अ नैरो लेवल रोड, इस तरह के जो मोशन होते हैं दैट इज बेसिकली 1-डायमेंशनल मोशन. नेक्स्ट हमारा आता है बेटा 2-डायमेंशनल मोशन. तो 2-डायमेंशन में क्या आएगा? जब भी हम किसी पार्टिकल का मोशन देखते हैं तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम के साथ में किस तरह से उसका मोशन पार्टिकल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हैं, 2 out of 3, तो उस मोशन को हम बोलते हैं 2-डायमेंशनल मोशन. और इसको हम बात करते हैं कि जैसे मोशन इन ए प्लेन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, आप अपने नोटबुक में लिख रहे होते हो, कोई भी एंट है, इंसेक्ट है जो कि फ्लोर पे चल रहा होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ये 2D मोशन के अंदर आती है. नेक्स्ट टर्म इज 3-डायमेंशनल मोशन. तो 3D मोशन में हम क्या बोलेंगे बेटा? जब भी हम किसी पार्टिकल के मोशन के लिए ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड फॉर रिप्रेजेंटिंग इट्स मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट मोशन इज सेड टू बी इन 3D. और इस तरह के मोशन को हम बेसिकली स्पेस में हम इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, बर्ड उड़ रहा है, काइट हमारी जा रही है, तो ये सारे जो मोशन होंगे ये हमारे मोशन इन 1D, 2D और 3D के अंदर आते हैं. नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है बेटा, हमें इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी क्या होगी जब पार्टिकल 1D में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं. अब उसके लिए हमें किसी भी पार्टिकल के पाथ की बेसिकली नीड होगी. तो किसी भी पार्टिकल का पाथ क्या होगा? कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है अगर उसकी मूविंग पोजीशन में उसके सक्सेसिव पोजीशंस को ज्वाइन कर दे और जो लाइन हमें मिलती है दैट इज बेसिकली नोन एज द पाथ ऑफ द मूविंग बॉडी. और जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की वो हमारी क्या होगी बेटा? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जिस पाथ के अलोंग जिन जिन पॉइंट से होता हुआ हमारा पार्टिकल आगे बढ़ा है तो द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ लेंथ. एंड डिस्टेंस एज वी नो फ्रॉम 9th क्लास द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अब ये पार्टिकल है जो कि एक मैन है जो मूव कर रहा है, ये हमारा इस तरह से 5 किलोमीटर तक गया, यहाँ जाकर इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और ये 2 किलोमीटर
एक स्लैंटेड एंगल के ऊपर चला गया है. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 5+2 दैट इज 7 किलोमीटर. इस केस में जब हम देखते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ तक गया 5 किलोमीटर, अगेन ये बैक वापस आ गया उसी 5 किलोमीटर के ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस इसने 0 to 5 यहाँ से यहाँ तक जाने में ली थी, अब उतनी ही डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक आने में ली है. तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बेटा, 10 किलोमीटर. तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी विच इज ट्रेवल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो ये हमारे डिस्टेंस की बात हुई. अगला टर्म हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ये पार्टिकल गया, हमने जैसे पिछला एग्जाम्पल लिया था 5 किलोमीटर गया फिर 2 किलोमीटर गया, अब मिनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, फाइनल और इनिशियल पॉइंट को जो मीट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो अब हम देखते हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम जब चेक करेंगे तो इट विल कम आउट 6.57 किलोमीटर जो कि एरो की डायरेक्शन में हो रही है, और यही हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर हम बात करते हैं इस केस में कि ये पार्टिकल हमारा 5 किलोमीटर गया, वापस उसने अपने पाथ को बैक रिफ्लेक्ट किया, ये देखिए आप, अब जब ये उसी पॉइंट से जा रहा है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में इस पार्टिकल के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा. इस केस में हमारा फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यू कैन से कि पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली 0 बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इन दिस केस आर इक्वल. अब हमारा इससे आगे की बात आती है कि अगर एक बॉडी है जो कि इनिशियली x1 पोजीशन पे है, फाइनली x2 पोजीशन पे है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो t2 - t1 है और उसका पोजीशन में जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू x2 - x1. तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. हमने देखा कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो भी हमारी लेंथ की ही यूनिट होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है. जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो हमारी बेटा हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एग्जैक्टली हमें एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताता कि किन किन पाथ के बीच में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मूव करके गए हैं, हमारा जो पार्टिकल है वो किन किन पॉइंट्स के बीच से अपना पाथ ट्रेस करके गया है. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शोइंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में यूनिक पाथ होता है, जबकि जो डिस्टेंस है वो हमारी कुछ भी हो सकती है. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा एक होता है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, बट द डिस्टेंस मे बी इनफाइनाइट. बिकॉज डिस्टेंस तो आपका पार्टिकल चाहे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गए, अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस उसकी वेरी कर सकती है. डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे ओरिजिन को शिफ्ट करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट. अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं किस तरह से हम इसको एक्चुअली देख सकते हैं. तो लुक एट दिस, ये बॉल जो है ये हमारी इस डिस्टेंस के इस पाथ के अलोंग ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया है वाया द पॉइंट सी, लेकिन ये हमारा जो ए सी बी गया है दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस और दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन जो ये पार्टिकल हमारा ए से लेके बी तक डायरेक्टली गया है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा, तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि जब कोई पार्टिकल अपना पोजीशन से हल्का सा भी शिफ्ट होता है दैट इज डेफिनेटली ट्रेवर्सिंग एनी डिस्टेंस. बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, ये किस केस में होता है बेटा, जब अपना पार्टिकल उसी पॉइंट से स्टार्ट हो और किसी भी पाथ के अलोंग जाकर अगर सेम पॉइंट के ऊपर वापस आ जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो जो पार्टिकल है दैट इज हैविंग द डिस्प्लेसमेंट जीरो. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. स्केलर की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बेटा, जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है. अब
इससे आगे हम देखते हैं स्पीड क्या होती है. बेटा स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो v इज इक्वल टू s अपॉन t. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं. स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. स्पीड या तो पॉजिटिव होती है या तो जीरो होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती. किसी भी रनिंग कार की जो स्पीड होती है वो स्पीडोमीटर की हेल्प से मेजर की जाती है. और स्पीड की जो यूनिट होती है बेटा, अगर उसको CGS सिस्टम में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है. SI सिस्टम में बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है. और प्रैक्टिकली जब हम किसी कार की या किसी व्हीकल की बात करते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में हम मेजर करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू बेटा.